मधुमिता कहती है, ये अरबिंदो है, उसके सिवा और कौन दरवाजा ठोकेगा, उस पर ही तो भूत सवार है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, आपने अरबिंदो को कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है, पर क्यों? मधुमिता अभिमन्यु को बच्चा समझकर उसके सवाल का कुछ जवाब ही नहीं देती है, बस अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। कार्तिक पुजारी भी कुछ पूछना इस वक्त मुनासिब नहीं समझते हैं। वो तो खुद अरबिंदो से जल्द मिलना चाहते हैं, इसलिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। सब लोग मधुमिता के पीछे पीछे अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी दरवाजा ठोकने की आवाज जिस कमरे से सुनाई दे रही थी वो कमरा नजर आने लग जाता है। उस कमरे के दरवाजे के पास से बस दरवाजा ठोकने की आवाज सुनाई नहीं देती है, बल्कि किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देने लग जाती है। एक भारी डरावनी आवाज सुनाई देती है, बाहर निकालो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। दरवाजा ठोकने के साथ साथ बार बार किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती रहती है। जब मधुमिता के कानों तक वो आवाज पहुंचती है तो वो डर के मारे कांपने लग जाती है और जहाँ पर खड़ी हुई थी वहीं पर रुक जाती है। मधुमिता के कपकपाते हाथ पैरों को देखकर उसके अंदर के डर को साफ महसूस किया जा सकता था। कार्तिक पुजारी मधुमिता से कहते हैं, क्या हुआ मधुमिता, तुम रुक क्यों गई, आगे बढ़ो। मधुमिता घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं पुजारी जी, मैं उसके पास तक नहीं जाना चाहती, वो पागल हो गया है, उसने मुझे कुछ कर दिया तो। कार्तिक पुजारी मधुमिता को बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा मधुमिता, तुम ये बात कैसे भूल रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बुरी शक्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती है। मधुमिता घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं पुजारी जी, मैं तो नहीं जाने वाली उसके पास, अब तो मुझे उसकी परछाई से भी डर लगने लग गया है, आप ही जाइए उसके पास। इतना कहकर मधुमिता पीछे पलटती है और वहां से जाने लग जाती है। वो कार्तिक पुजारी को उसे रोकने तक का मौका नहीं देती है, वो इतनी तेजी में वहां से भागती है। कार्तिक पुजारी खुद ही सामने आते हैं और उस दरवाजे की तरफ जाने लग जाते हैं। अभिमन्यु और सरस भी उनके पीछे जाने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा ठोकने और जो डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी वो सुनाई देनी बंद हो जाती है, जैसे उनके वहां पर आने की आहट किसी को महसूस हो गई हो और वो खुद चुप हो गया हो। कमरे के अंदर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। कार्तिक पुजारी दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते ही है कि तभी वो देखते हैं कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कार्तिक पुजारी सरस की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस पर तो ताला लगा हुआ है सरस। सरस कार्तिक पुजारी के आगे आते हुए कहता है, ये मैंने ही लगाया पुजारी जी, ये सोचकर कि अरबिंदो फिर से भाग ना जाए। कार्तिक पुजारी सरस से कुछ और पूछते उससे पहले ही सरस अपनी जेब से चाबी निकालता है और अगले ही पल वो ताला खोल देता है। ताला खुलते ही सरस कुछ कदम पीछे हट जाता है। सरस डरते हुए कहता है, आप ही जाइए अंदर पुजारी जी, मैं भी उसके पास नहीं जाने वाला। कार्तिक पुजारी सरस से कुछ नहीं कहते हैं, वो दरवाजे की तरफ देखते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे धक्का दे देते हैं। दरवाजा करकराती हुई आवाज के साथ खुल जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, इतना ज्यादा अंधेरा कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, पर कार्तिक पुजारी बिना डरे कमरे के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अभिमन्यु भी उनके पीछे कमरे के अंदर घुस जाता है। सरस दरवाजे पर ही खड़ा रहता है, वो अंदर नहीं जाता है। कमरे के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा छाया हुआ होता है कि कार्तिक पुजारी और अभिमन्यु को कुछ नजर ही नहीं आता है। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी से कहता है, मैं लालटेन लेकर आता हूँ गुरुजी। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु को रोकते हुए कहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभिमन्यु बेटा, कुछ सवालों के जवाब अंधेरे में ही मिलते हैं। अभिमन्यु वहीं पर रुक जाता है। कार्तिक पुजारी अंधेरे में ही देखने की कोशिश करने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी कमरे के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अरबिंदो बेटा। अरबिंदो चैटर्जी का कोई जवाब नहीं आता है। कमरे के अंदर कार्तिक पुजारी की आवाज ही गूंजती रहती है। अभिमन्यु भी डरा हुआ रहता है, पर कार्तिक पुजारी को देखकर उसे हौसला मिलता है और वो उनके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाते जाता है। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, तुम कहाँ हो अरबिंदो बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आए हैं, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी ना, और मैंने कहा भी था कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। अरबिंदो का अभी भी कुछ जवाब नहीं आता है। कार्तिक पुजारी फिर अरबिंदो को पुकारते हुए कहते हैं, अरबिंदो बेटा, अरबिंदो बेटा, कहाँ हो तुम। कार्तिक पुजारी ने इस बार इतना कहा ही था कि तभी उन्हें कमरे के अंदर एक हलचल सुनाई देती है, वो हलचल जो ना ही अभिमन्यु की होती है और ना ही उनकी, वो हलचल किसी और चीज की ही थी। कार्तिक पुजारी अपने आसपास देख ही रहे थे कि तभी फिर से एक डरावनी भारी आवाज सुनाई देती है, चले जा यहाँ से, क्यों आया है तू यहाँ पर पुजारी। उस डरावनी भारी आवाज को सुनकर अभिमन्यु डरने लग जाता है, वो आवाज किसी बच्चे की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। कार्तिक पुजारी तुरंत अभिमन्यु से बोल पड़ते हैं, घबराओ मत अभिमन्यु बेटा, तुम जितना डरोगे उस काली शक्ति को उतनी ताकत मिलेगी,
यहाँ कमरे में कोई ना कोई काली शक्ति जरूर मौजूद है। अभिमन्यु महादेव का नाम जपते हुए खुद को हिम्मत देने लग जाता है। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, कहो अरबिंदो बेटा। एक भारी आवाज सुनाई देती है, तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या पुजारी, मैंने तुझसे क्या कहा, चले जा यहाँ से वरना तू भी मरेगा और तेरा ये शिष्य भी। कार्तिक पुजारी नाटक के साथ कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों मरने ही तो आया हूँ अरबिंदो बेटा, मेरे सामने आ जाओ और मार लो मुझे। अगले ही पल मंत्र पढ़ने की डरावनी आवाज सुनाई देने लग जाती है, ओम भूत भावनाय सर्वभूतात्मने प्रसादाय नेमाय सर्व कामाय विश्वरूपाय काल योगिने शमशान वासिनेश शाश्वताय चटर्जीयाय दायमाय वशीकरणाय भवताय। जिस तरफ से मंत्र बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी, कार्तिक पुजारी और अभिमन्यु उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि कमरे के कोने से सुनाई दे रही थी। कोने के पास ही एक खिड़की है जिससे कमरे के अंदर हल्की हल्की चांद की रोशनी होने लग जाती है और कमरे की कुछ चीजें नजर आने लग जाती हैं, जैसे फर्श पर फैले हुए कांच के टुकड़े, लिपस्टिक, कंघी, बिंदी और चूड़ियां। ऐसे ही कई प्रकार के श्रृंगार के सामान फर्श पर फैले हुए थे। कार्तिक पुजारी धीरे से अभिमन्यु से कहते हैं, संभल कर चलना अभिमन्यु बेटा, जरा नीचे देख कर। अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी पुजारी जी। कार्तिक पुजारी कमरे के कोने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहते हैं, अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी पुजारी जी। कार्तिक पुजारी कमरे के कोने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहते हैं, तो तुम यहाँ पर हो अरबिंदो, मुझसे इस तरह क्यों छुप रहे हो, मेरे सामने आओ। फिर से डरावनी आवाज सुनाई देती है, वापस चले जा पुजारी। फिर से मंत्र पढ़ने की डरावनी आवाज सुनाई देने लग जाती है, ओम भूत भावनाय सर्वभूतात्मने प्रसादाय नियमाय सर्व कामाय विश्वरूपाय काल योगिने शमशान निवासिने शाश्वताय चटर्जीयाय दायमाय वशीकरणाय भवताय। कार्तिक पुजारी इस मंत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। जब वो कमरे के कोने के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक अभिमन्यु की उम्र का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो कोई और नहीं बल्कि अरबिंदो चटर्जी ही है। अरबिंदो का सिर नीचे की तरफ था और घुटने मुड़े हुए थे जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आता है। अरबिंदो ही डरावनी आवाज में मंत्र बड़बड़ाए जा रहा था, इस वक्त भी वो मंत्र बड़बड़ा रहा था। कार्तिक पुजारी अरबिंदो के पास जाते हुए कहते हैं, अरबिंदो बेटा तुम यहाँ पर अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो, आओ बाहर चलो मेरे साथ, बच्चों को अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। अरबिंदो मंत्र ही बड़बड़ाते रहता है, उसको देखकर अभिमन्यु डरने लग जाता है। कार्तिक पुजारी अरबिंदो से कहते हैं, अरबिंदो बेटा आओ मेरे पास आओ। कार्तिक पुजारी अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे ही वो अरबिंदो को छूते हैं, अरबिंदो अपना सिर ऊपर कर लेता है। जब कार्तिक पुजारी की नजर अरबिंदो के चेहरे पर पड़ती है तो उसका चेहरा देखकर वो डर के मारे कांप जाते हैं। वो भी तुरंत अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं, उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लग जाता है। अभिमन्यु के हाथ पैर भी डर के मारे कांपने लग जाते हैं। अरबिंदो चटर्जी का हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि वो चटर्जी था। अरबिंदो ने अपनी आंख में ढेर सारा काजल लगाया हुआ है जो फैल चुका था, होठों पर लाल लिपस्टिक लगाकर रखी हुई है वो भी फैली हुई थी, कानों में बूंदें, माथे पर बिंदी, नाखूनों में नेल पॉलिश, हाथों में चूड़ियां, यहाँ तक कि अपने छोटे बालों से दो चोटी भी बांध कर रखी हुई है। उसने अपने चेहरे पर मेकअप करके रखा हुआ है वो भी किसी लड़की की तरह, पर उसकी आंखें डरावनी लग रही हैं। कार्तिक पुजारी की नजर जब अरबिंदो के कपड़ों पर जाती है तो वो देखते हैं कि अरबिंदो ने सिर्फ लड़कियों की तरह मेकअप ही करके नहीं रखा हुआ था, यहाँ तक कि लड़कियों की तरह लाल फ्रॉक भी पहन कर रखा है। कार्तिक पुजारी और अभिमन्यु के तो समझ ही नहीं आता कि अरबिंदो को हो क्या गया है, उसने इस तरह अपना हुलिया क्यों बना कर रखा हुआ है। कार्तिक पुजारी अरबिंदो को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहते हैं, ये क्या हाल बना कर रखा है तुमने अरबिंदो बेटा अपना। अरबिंदो भारी आवाज में कहता है, यहाँ से चले जा पुजारी। कार्तिक पुजारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ अरबिंदो बेटा, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर कार्तिक पुजारी फिर अरबिंदो को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे ही कार्तिक पुजारी अरबिंदो को छूते हैं, अरबिंदो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कार्तिक पुजारी का गला पकड़कर दबाने लग जाता है। अरबिंदो कार्तिक पुजारी का गला दबाते हुए कहता है, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे, मैंने कहा था ना चले जा यहाँ से, पर तू नहीं गया, अब तू मरेगा। कार्तिक पुजारी दर्द से कराह उठते हैं। अभिमन्यु उसी वक्त अपने कदम आगे बढ़ाता है और अरबिंदो चटर्जी की पकड़ से कार्तिक पुजारी का गला छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। अरबिंदो के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कार्तिक पुजारी और अभिमन्यु दोनों मिलकर भी अरबिंदो के हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे। कार्तिक पुजारी अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए अरबिंदो से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो अरबिंदो, मेरा गला छोड़ो।
अरबिंदो कार्तिक पुजारी का गला दबाते हुए कहता है, मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मुझे मेरी दाई माँ के पास जाने से रोकता है, सबको मार दूंगा। अभिमन्यु और कार्तिक पुजारी जैसे तैसे करके अरबिंदो से गला छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही अरबिंदो गला छोड़ता है, उसे अभिमन्यु के हाथ का धक्का लगता है और वो वापस से कोने वाली दीवार से जाकर टकरा जाता है। दीवार से टकराते ही वो वापस से नीचे बैठ जाता है। वहां पर बैठते से ही अरबिंदो फिर से डरावनी आवाज में वही मंत्र दोहराने लग जाता है जो पहले दोहरा रहा था, पर इस बार कार्तिक पुजारी का उस मंत्र पर ध्यान चले जाता है और वो उस मंत्र को गौर से सुनने लग जाते हैं। उस मंत्र को सुनते ही कार्तिक पुजारी को कुछ याद आता है और वो तुरंत अभिमन्यु से कहते हैं, यहाँ से चलो अभिमन्यु बेटा, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अभिमन्यु अरबिंदो चैटर्जी की हालत देखते हुए कहता है, पर गुरुजी, अरबिंदो, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते, उसे हमारी जरूरत है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, इस वक्त उसे अपने हाल पर छोड़ दो अभिमन्यु बेटा, हम उसे बाद में बचा लेंगे, पर इस वक्त हमारा यहाँ से बाहर जाना बहुत जरूरी है, वरना समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना कहकर कार्तिक पुजारी अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही कार्तिक पुजारी अभिमन्यु को लेकर कमरे से बाहर आते हैं, वो खुद सबसे पहले दरवाजे को बंद कर देते हैं। दरवाजे पर ही सरस खड़ा हुआ था, जो उन दोनों के ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। चिल्ला चोट की आवाज सुनकर सरस की पत्नी मधुमिता भी वहां पर आ गई थी। कार्तिक पुजारी और अभिमन्यु दोनों ही पसीने से लथपथ थे। कार्तिक पुजारी और अभिमन्यु की हालत देखकर सरस और मधुमिता दोनों ही घबरा गए थे। सरस बौखलाहट के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, आप ठीक तो है ना पुजारी जी, उस अरबिंदो ने आपको कुछ किया तो नहीं ना? कार्तिक पुजारी सरस से कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरस, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मधुमिता तुरंत बोल पड़ती है, मैं जानती हूँ उसने आप पर भी हमला किया होगा, जिस तरह उसने हम दोनों पर किया था। कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए सरस से पूछते हैं, अरबिंदो ऐसा व्यवहार कब से कर रहा है सरस? सरस कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पिछले एक हफ्ते से वो ऐसा ही व्यवहार कर रहा है पुजारी जी, तभी तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। कार्तिक पुजारी फिर सरस से पूछ पड़ते हैं, उसने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं और वो श्रृंगार? इतना कहकर कार्तिक पुजारी खुद ही चुप हो जाते हैं। सरस कुछ जवाब देता उससे पहले ही मधुमिता बोल पड़ती है, वही तो हमारे समझ नहीं आ रहा पुजारी जी कि अरबिंदो लड़कियों जैसा क्यों कर रहा है। आपको पता है उसने मेरे दोनों लड़कों को भी जबरदस्ती लड़कियों की तरह कपड़े पहना दिए थे, उसी की वजह से तो मुझे अपने बच्चों को अपने आप से दूर करना पड़ा, उन्हें उनकी मौसी के पास भेजना पड़ा। कार्तिक पुजारी फिर सरस से पूछ पड़ते हैं, अरबिंदो के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि जब मैं उससे आखिरी बार मिला था शोभांग के देहांत के बाद, तब वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सरस कार्तिक पुजारी की बात में हामी भरते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा पुजारी जी, अरबिंदो एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, पर जब से वो लौट कर आए तब से पता नहीं उसे क्या हो गया है। कार्तिक पुजारी सरस की बातों को नोटिस करते हुए तुरंत उससे पूछ पड़ते हैं, लौट कर आए से क्या मतलब है तुम्हारा सरस? सरस हिचकिचाते हुए कहता है, वो 15 दिन पहले ही अरबिंदो घर से भाग गया था पुजारी जी। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ पूछते हैं, अरबिंदो घर से भाग गया था, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।